नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। गसिमपुर से बड़ी खबर, श्री गंगानगर से जयपुर झालावाड़ कोटा एक्सप्रेस ट्रेन गसिमपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो आमजन एवं रेल संघर्ष समिति के सदस्यों ने जोरदार किया स्वागत। रेलगाड़ी का गसिमपुर रेलवे स्टेशन पर बेहद स्वागत किया गया। गसिमपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही रेल पहुंची तो यहां की जनता ने गार्ड एवं ड्राइवर को चारों तरफ से घेर दिया और उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं मुंह मीठा करवाया गया। इस रेलगाड़ी के चलते ठहराव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर हरद्वाई लाल गिरधर ने कहा कि 5 माह के बाद गसिमपुर में ट्रेन की आवाज को सुना एवं देखा गया। इससे गसिमपुर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह देखा गया। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह ने कहा कि गसिमपुर की जनता एवं रेल संघर्ष समिति के सदस्यों को काफी योगदान रहा है, इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वार्ड पार्षद हरिचंद ने कहा कि श्री गंगानगर से जयपुर झालावाड़ कोटा एक्सप्रेस गसिमपुर क्षेत्र को मिलने से काफी लाभ होगा। गरीब एवं मध्य वर्ग को रेलगाड़ी से काफी फायदा है, आर्थिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। रेल संघर्ष समिति के सदस्य जगदीश यादव ने बताया कि अन्य ट्रेनों की मांग भी पूर्व मंत्री एवं सांसद नियाज सिंह मेघवाल के समक्ष रखी जाएगी ताकि इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। गसिमपुर क्षेत्र के लोगों की मांगों पर करना होगा विचार, अभी भी मांगे हैं अधूरी। गसिमपुर की जनता ने मांग इस गाड़ी को किया जाए नियमित। इस अवसर पर प्रदीप बोथरा, मांगीलाल बिश्नोई, राजकुमार गिरधर, मनिंदर सिंह लवी, हितेश खंडा, सुरेश काटपाल, हैप्पी हुंडल, रमेश चंद दुगरिया, डॉक्टर सुभाष चंद शर्मा उपस्थित रहे।